वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन लोगों के लिए जो जिमनी खरीदने जा रहे हैं। जिमनी अगर खरीदने जा रहे हो तो ये बात मानकर चल लेना, आज के मेरे इस मैसेज से ये मान लेना कि ये एक कोई फैमिली गाड़ी नहीं है। कम्प्लीटली जो मैंने अमाउंट इसके साथ खर्च किया है वो अमाउंट है लगभग मेरे 17 लाख रुपये लग गए, अलॉय व्हील का खर्चा वर्चा मिला के 17 लाख रुपये अभी तक ये गाड़ी हो चुकी है, इस रेंज पर आ चुकी है। तो क्या 17 लाख रुपए खर्च करके आपको मार्केट में कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं? हैरियर का, टाटा की हैरियर का एक जो बेस से थोड़ा ऊपर का मॉडल है वो आपको 17 लाख तक का मिल सकता है, जो कि एक फैमिली गाड़ी है। 17 इंच का उसमें टायर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छी मस्कुलर गाड़ी है, वो एक फैमिली गाड़ी हो सकती है। XL6 जो गाड़ी करूँगा फैमिली गाड़ी की बात, तो XL6 भी जो है एक मॉडल मुझे मिल सकता था, इसके अंदर लगभग टॉप का मॉडल मिल जाता और बढ़िया शानदार मॉडल मिल जाता, और क्या ही कमाल के फीचर्स और क्या उसकी सीटिंग कंफर्ट, वो जो कंफर्ट है, वो स्टेयरिंग, वो उसकी जो रिफाइनमेंट है इंजन की, 1500 cc का जो उसका टॉर्क, पिकअप पावर और ग्रिपिंग जो उसकी रोड की XL6 की, वो भी मुझे मिल सकती थी। ऐसे भी मुझे मिल सकती थी ग्रैंड विटारा, भी मुझे मिल सकती थी, मुझे स्कॉर्पियो का एक मॉडल मिल सकता था, स्कॉर्पियो मिल सकती थी, स्कॉर्पियो N वो भी मिल सकती थी। तो ये जो गाड़ियाँ हैं ये कुछ एक फैमिली गाड़ियाँ हैं, 6 सीटर या 7 सीटर या 5 सीटर ये जो गाड़ियाँ हैं इस प्राइस रेट के अंदर, इस प्राइस में मुझे मिल सकती थी। मैं इस गाड़ी के लिए क्यों गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिमनी के लिए मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे चाहिए था कि फैमिली का फैमिली व्हीकल और साथ में ऑफ रोडिंग का ऑफ रोडिंग व्हीकल। जब आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो तो फैमिली के साथ ही आप ऑफ रोडिंग एंजॉय कर सकते हो, तो वो दोनों ही जो एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो हमें सपोर्टिव हो जाएगा गाड़ी के साथ। गाड़ी को चलाने को तो मिला नहीं था जिमनी, हमें कोई टेस्ट राइड तो मिली नहीं थी, हमने सिर्फ उसको ऑटो एक्सपो में देखा और बुक कर दिया। ऑटो एक्सपो में देखने के बाद बुक कर दिया, अच्छी लग रही थी गाड़ी, बहुत शानदार लग रही थी, तो ये लगा उसकी वजह से अपनी हमने ब्रांड न्यू जो गाड़ी बेची, जो हमारी इग्निस गाड़ी थी वो मैंने बेची अपनी, और उसकी वजह से हमने इसको बुक कर दिया। बुक करने के बाद ये हो गया कि गाड़ी नहीं मिल रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है, वेटिंग है, वेटिंग है, वेटिंग है। लास्टली मैंने उनको बोला कि अगर आप मुझे जून 30 तक गाड़ी नहीं दोगे तो मैं नहीं लूँगा। अचानक से उन्होंने कहा कि डिलीवरी मिल रही है, आ जाओ। हमने फाइनली पेमेंट करके गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद जब पहली बार हाईवे पर गया हूँ, पंजाब गया हूँ लुधियाना, तो वहाँ जाकर टेस्ट किया गाड़ी का, हाईवे का प्रॉपर टेस्ट किया कि कैसा एक्सपीरियंस है। तो उसमें जो पीछे की जो सीटिंग है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो पीछे की सीटिंग है ये आप देख सकते हो, यहाँ की पीछे की सीटिंग कम्फर्टेबल नहीं है। ये आप यहाँ पर आप जब बैठते हो गाड़ी के अंदर, जब आप यहाँ बैठते हो तो जो ये जो सीट है आप ये देख सकते हो, ये देखो ना, इतना हिस्सा जो है ये थाई का, ये इतना हिस्सा बाहर है, ये बाहर है, तो सीट है ही नहीं कंफर्टेबल। पीछे फैमिली बैठी थी, वो पीछे फैमिली को बैठ के कोई भी ज़रा भी कंफर्ट फील नहीं हुआ। ये जो आपका बैकरेस्ट है, बैकरेस्ट भी थोड़ा सा रिक्लाइन, पीछे की तरफ थोड़ा सा बैकरेस्ट होना चाहिए था जो कि कम है, तो ये सीट कंफर्टेबल नहीं है। जो कंपनी ने बनाई है उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट सीट पीछे की अच्छी बनाओ। ये फैमिली की बात हो गई कि फैमिली ने जब इसको राइड बैठ के जर्नी की और लगभग 350 किलोमीटर हम लोग दिल्ली से लुधियाना की ओर गए, तो ये माइनस पॉइंट है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये सीट कंफर्टेबल नहीं है फैमिली के लिए। दूसरी बात कर लेते हैं ड्राइविंग साइड के ऑप्शन पर, अगर हम आते हैं तो ड्राइविंग साइड के ऑप्शन में यहाँ पर हम बैठते हैं तो यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम होना चाहिए था, वो हाइट एडजस्टमेंट का सिस्टम जिमनी ने नहीं दिया, ये एक ड्रॉबैक है। ये ड्रॉबैक क्यों है, क्योंकि आगे का हुड दिखाई देता है, एकदम से इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं गाड़ी ड्राइव करने की अभी, तो वो आगे का हुड बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्लियरिटी मिलती नहीं, ओवरटेकिंग करने में ये म्यूजिक सिस्टम दिक्कत देता है, यहाँ पर जो इसका हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये दिक्कत देता है ओवरटेकिंग के टाइम पर खासकर। स्टीयरिंग की बात करता हूँ तो हार्ड है, स्टीयरिंग की कटिंग बहुत हार्ड है, ये सब गियर सिस्टम जो है वो काफ़ी हार्ड है, और जिसको कहते हैं कि एक स्मूथ जो ड्राइविंग है वो एक स्मूथ ड्राइविंग नहीं मिली। अच्छा देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको स्मूथ ड्राइविंग कैसे मिलेगी, ये तो एक ऑफ रोडिंग व्हीकल है। अच्छा ऑफ रोडिंग व्हीकल है, उस वजह से ये सब इसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं। सस्पेंशन भी ऐसा ही दिया गया कि ऑफ रोडिंग का सस्पेंशन बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट अब मेरे जैसा जो बंदा है वो सोचता है कि यार मुझे तो फैमिली के लिए भी चाहिए और मुझे तो ऑफ रोडिंग भी चाहिए, तो यहाँ फैमिली वाला मैटर है वो डाउन जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी फैमिली के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छा व्हीकल है। एसी की बात करता हूँ तो एसी ने बहुत सपोर्ट किया पूरी जर्नी में, एसी बहुत बढ़िया है,
काफ़ी अच्छा एसी है और पीछे तक चिल करता, बढ़िया करता, एकदम मज़ेदार एसी है। रेस्ट ऑल थिंग्स जो है फैमिली का वो कंफर्ट नहीं है। अब हम इसमें ये देखेंगे जिमनी के अंदर कि पीछे की जो बैक सीट है उसका क्या हो सकता है, कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ देखते हैं बेस्ट क्या मॉडिफिकेशंस निकल के आती हैं, तो वो शेयर करेंगे आपके साथ कि जब वो सीट की हमारी कुछ इम्प्रूवमेंट होती है। तो ओवरऑल ये वीडियो बनाने का मतलब ये था आप सब लोगों को मैसेज देने का कि आप इस प्राइस रेट में जिमनी लेने जा रहे हो, अगर फैमिली गाड़ी समझ के लेने जा रहे हो तो मत जाना। अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है यार मुझे अपना तफरीबाजी के लिए, स्टंटबाजी के लिए, या चलो गेड़ा मारने के लिए गाड़ी चाहिए, और दूसरा सेकंड ऑप्शन चाहिए कि यार एक बढ़िया गाड़ी फैमिली खड़ी हुई है ये रख लेते हैं, अपने गेड़ी मारने के काम आएगी, तो स्टाइलबाजी के लिए ये गाड़ी अच्छी है, पर भाई फैमिली के लिए मैं नहीं समझता ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए। फैमिली के लिए नहीं, एवरेज की बात करो, माइलेज इसने अच्छी दी, नो डाउट माइलेज अच्छी दे रही है, 15, 16, 17, 18 तक आती है। आप जिसको कहते हैं ना लो पैडल पे गाड़ी चलाओ तो गाड़ी की एवरेज अच्छी आती है। लेस यूज़ ऑफ क्लच जो है, और जो आरपीएम ज़्यादा नहीं उठाते हो, 2000 आरपीएम तक रखते हो तो भी ये अच्छा एवरेज दे देती है, माइलेज ठीक है, नॉट बैड। बट माइलेज वाला भी इशू नहीं है, इशू सिर्फ वही है फैमिली गाड़ी नहीं है। फैमिली गाड़ी अब मुझे दूसरी लेनी पड़ेगी, या जो चाहता नहीं हूँ करना वो सोचना पड़ेगा। तो इसलिए देखते हैं क्या होता है, मन तो नहीं कर रहा कि इसको बेचा जाए क्योंकि ये सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट चलो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। कुछ और भी काम करवाने हैं जिमनी के, करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसको रख ले, इसको जाने ना दें, अदरवाइज स्टाइलिश है, जहाँ भी जाते हैं लोग देखते हैं पलट के, यार मज़ा आता है, लोगों के एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेशंस है वो जब देखते हैं तो अच्छा लगता है कि सच अ डिफरेंट व्हीकल वी हैव ऑन द रोड। सो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।